नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर। सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। आई होप ये नया साल आप सबके लिए बहुत ही मंगलमय हो, आप सभी की सरकारी नौकरी लग जाए। बहुत सारी नौकरियां आने वाली हैं, बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। यूपीपीएससी जो आयोग है उसका ऑफिशियल अभी कैलेंडर तो जारी नहीं हुआ है, लेकिन न्यूज़पेपर में कैलेंडर आ चुका है। तो उसके हिसाब से अगर अनुमान लगाया जाए तो लगभग जो हैं जॉब्स हैं, जो भी वैकेंसीज हैं, काफी सारी वैकेंसीज आएंगी इसके अभी इस साल में। और उसमें कई सारी डेट्स रिजर्व की गई हैं, कई सारी डेट बताई गई हैं। सारे एग्जाम के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन कुछ एग्जाम के बारे में बताया गया है। जैसे कि यूपीपीएससी प्री का एग्जाम 14 मई को होगा। इसके अलावा यूपीपीएससी मेंस की डेट भी दे दी है सितंबर में। तो कई सारे दिन मिल गए हैं प्री से मेंस तक के लिए, बहुत सारा अच्छा खासा लंबा टाइम मिल गया है। लगभग 120-125 दिन के आसपास का समय आपको मिलेगा, तो अच्छे से तैयारी आप कर सकते हैं। और 2024 में चुनाव है 25 में, तो चुनावी साल एक तरीके से है 2023 का, तो बहुत ही महत्वपूर्ण साल है। कई सारी नौकरियां आने वाली हैं, तो सब भी अपनी तैयारी में बहुत अच्छे से जुट जाएं। यूपीपीएससी आरओएआर का एग्जाम भी होगा, बीडीओ का एग्जाम भी होगा, इसके अलावा बीईओ का एग्जाम होगा, पीएससी का तो होगा ही होगा। और बिल्कुल मान के चलिए कि मई में एग्जाम हो जाएगा, यूपीपीएससी प्री का एग्जाम मई में हो जाएगा और मेंस भी करवा ही लेंगे सितंबर तक। तो अच्छा खासा टाइम दे रहे हैं, तो बढ़िया से तैयारी कीजिए बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से। और लेटेस्ट जो अभी चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, उसके हिसाब से यूपीपीएससी का एग्जाम वैसे भी बहुत टफ होता है। और आरओएआर का एग्जाम तो देख ही लिया होगा आपने पिछली बार का कितना टफ एग्जाम हुआ था, कितना हाई कट ऑफ भी जाता है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। जुड़े रहे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ, अपनी तैयारी के लिए लेटेस्ट ट्रेन के अनुसार और पैटर्न के अनुसार तैयारी करने के लिए बिल्कुल निरंतर बने रहे हमारे चैनल के साथ। आप सबका प्यार और सहयोग हमेशा मिलता रहे और आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया साल आप सबको एक बार फिर से बहुत मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।